हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक कुकिंग रिलेटेड वीडियो शेयर करूंगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स सब्जी की अचार, विंटर स्पेशल। ये अचार बनाने में बहुत ही इजी है, खाने में उतनी ही टेस्टी। उसके लिए मैंने कुछ विंटर स्पेशल सब्जी ली है, मूली, गाजर, मटर और गोभी। साथ में मैंने लिया है अदरक, लंबा लंबा कट कर लिया है, और ग्रीन चिली। अब इस सब्जी में मैं ऐड कर दूंगी नमक और थोड़ी सी हल्दी। नमक ऐड करने से पानी रिलीज होगा और इसको इसी तरीके से मैं 2 से 3 घंटे तक रख दूंगी। जब सब्जी में से पानी निकल जाएगा तो इसको मैं छान लूंगी और धूप में सूखने के लिए रख दूंगी। 2 से 3 घंटे तक सब्जियों को धूप में रखना है। 2-3 घंटे के बाद मैंने सब्जी को उठा लिया है। ये देखिए, सब्जी को कड़क नहीं करना है, इस तरीके से सॉफ्ट चाहिए मुझे अचार के लिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें एकदम पानी नहीं है। अब मैं प्रिपेयर करूंगी अचार के लिए मसाला। तो यहाँ पे मैंने लिया है येलो मस्टर्ड, मेथी के दाने, साबुत धनिया, जीरा, सौंफ, कलौंजी, अजवाइन और ड्राई रेड चिली। अब मैं क्या करूंगी, ये जो येलो मस्टर्ड इसको उठा लूंगी और बाकी के जितने मसाले इसको ड्राई रोस्ट कर लूंगी। तो सबसे पहले मैंने येलो मस्टर्ड को मिक्सी में देके दरदरा पीस लेना है। देखिए, मैंने पीस लिया है। अब इसको मैं उठा लूंगी और उधर मैं एक पैन को गरम करके वहां पे बाकी के जो मसाला है उसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूंगी। सारे एक साथ देख के इसको मैं थोड़ी सी ड्राई रोस्ट कर लूंगी। इससे जो एक अरोमा आ जाएगा मसाला भुनने का, तब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और उसके बाद इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब मसाला थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी में देख के इसको अगेन पीस लूंगी। मसाला को बहुत बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही पीस लेना। अब मैं एक फ्राइंग पैन में देके इसको अच्छी तरीके से गरम कर लिया है। जब धुआं उठ जाएगा तब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको थोड़ी ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ऑयल थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी भुना हुआ मसाला और पिसा हुआ मस्टर्ड। तो ये दोनों ऐड करने के बाद अब मैं ऐड करूंगी नमक, स्वाद अनुसार नमक ऐड करूंगी और साथ ही साथ मैं ऐड करूंगी हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर। अचार में एकदम ठंडा हो गया है और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी विनेगर। विनेगर को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से हम सबको एक साथ मिक्स कर लेना है। अचार को रखने के लिए मैंने ये ग्लास जार लिया है जिसको स्टेरिलाइज कर लिया है और मैं सुखा लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी अचार। अचार को पहले दबा दबा के डालना है ताकि उसके ऊपर का ऑयल आ जाए। इस तरीके से अचार बनाने से या रखने से अचार बहुत दिनों तक सही रहता है। अब इसके थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मिलती हूँ आप लोगों को और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दिल्ली